दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आयरन मैन पार्ट टू। अब जहाँ पर पार्ट वन एंड हुआ था वहीं से पार्ट टू स्टार्ट होता है। वहीं टोनी ने न्यूज में एक्सेप्ट कर लिया है कि वही आयरन मैन है। ये न्यूज किसी के टीवी पर चल रही होती है और जो आदमी इसको देख रहा होता है उसका नाम इवैन होता है। ये न्यूज देखते ही इवैन के फादर की डेथ हो जाती है। इस पर इवैन कहता है कि मैं आयरन मैन से बदला लेकर जरूर रहूंगा। फिर वो अपने शार्प ब्रेन की मदद से एक सूट तैयार करने लगता है क्योंकि उस सूट को पहनकर वो आयरन मैन से फाइट करना चाहता था। अब कई दिन बाद इवैन का ड्रेस तैयार हो जाता है और वो अपने सूट को नाम देता है वेब लैश। उसमें ये पावर थी कि वो किसी भी मेटल को आसानी से काट सकता था। अब हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि टोनी एक कॉन्सर्ट में स्पीच दे रहा होता है। वो लोगों से कहता है कि मेरे फादर का ये ड्रीम था कि वो एक सिटी बनाए जिसमें काफी ज्यादा एडवांस बिल्डिंग हो और काफी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन वो तो अपना ये ड्रीम पूरा नहीं कर पाए, तो अब मैं उनका ड्रीम पूरा करूंगा। और फिर वो अपना ड्रेस सबको दिखाता है कि इस ख्वाब को पूरा करने के लिए ये सूट मेरी मदद करेगा। अब इस कॉन्सर्ट से वो निकल ही रहा होता है कि तभी उसके पास कुछ लोग आते हैं। वो टोनी से कहते हैं कि आपसे कुछ लोग कुछ बातें पूछना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि आप सुबह कोर्ट में आए और वो आपके आयरन मैन सूट के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगले दिन टोनी जब कोर्ट में जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो आर्मी है। कोर्ट के सेनेटर उससे कह रहे होते हैं कि तुमने सूट तो काफी अच्छा बनाया है, लेकिन इतनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक चीज तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए, तो तुम अभी के अभी वो सूट हमें दे दो, मतलब कि आर्मी को दे दो, ताकि वो अपने सोल्जर्स की अच्छी ट्रेनिंग कर सके। इस पर टोनी उनसे कहता है कि नहीं, आयरन मैन सूट मैंने बनाया है और उसमें मेरी मेहनत लगी है। मैंने अपने कई साल की मेहनत उसमें लगाई और सिर्फ उसे यूज करना मुझे ही आता है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ड्रेस है और मैं ही आयरन मैन हूँ। नो वन एल्स कैन बी आयरन मैन, कोई भी आयरन मैन नहीं बन सकता मेरे अलावा। वहाँ पर टोनी का वो दोस्त भी होता है जिसे हमने पार्ट वन में देखा था, लेकिन इस बार इस पार्ट में उसका फेस चेंज है, यानी कि इस पार्ट में किसी और को टोनी का दोस्त बना दिया गया है, लेकिन कैरेक्टर वही है। वो कोर्ट में कहता है कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये ड्रेस वाकई में बहुत ही खतरनाक है और इस ड्रेस को आर्मी के पास ही होना चाहिए, लेकिन उन सब के कहने पे भी टोनी नहीं मानता। और फिर वहाँ पर एक वेपन एक्सपर्ट आता है जो कि सेम बात बोलता है, लेकिन टोनी कहता है कि मैं तुम सभी में से किसी की भी बात नहीं सुनने वाला। टोनी उन सब से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप लोगों को ऐसा कहने के लिए किसने कहा है। इनफैक्ट वो आदमी इसीलिए चाहता है कि आप लोग मेरा सूट ले लें क्योंकि वो खुद ऐसा ड्रेस नहीं बना पा रहा। उसने मेरी कॉपी करके कई ज्यादा ड्रेस बना चुके हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। जैसा कि मेरा ड्रेस है, उस तरह का ड्रेस आप में से कोई भी नहीं बना सकता। तो आप लोग आखिर उसकी बातों में क्यों आ रहे हैं? मैं आपको कुछ प्रूफ्स भी दिखा सकता हूँ। और फिर टोनी उन सभी को प्रूफ्स भी दिखाता है कि देखिए आखिर वो आदमी कैसा है। देखिए, इतना बड़ा वीपन मेकर मेरी ड्रेस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, तो फिर आप लोग कैसे कर पाएंगे? इसे सिर्फ मैं ही चला सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये सूट कभी भी किसी को नुकसान नहीं देगा। सभी को उसकी बात अच्छी लगती है और फिर वो सभी एग्री हो जाते हैं और इसके बाद टोनी वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवैन अपना इलेक्ट्रिक ड्रेस कंप्लीट कर चुका है जिसका नाम उसने वेबलैश रखा था। अब वो आयरन मैन से लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ टोनी भी अपने ड्रेस को चेक कर रहा होता है। उसकी ड्रेस में एक ऐसा कोर होता है जो सबसे ज्यादा यूजफुल था, लेकिन यूजफुल होने के साथ साथ वो काफी ज्यादा खतरनाक भी था। उसकी वजह से टोनी की बॉडी में काफी ज्यादा पॉइजन फैल रहा था। उसी दौरान टोनी एक सोच में पड़ जाता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर कंपनी का क्या होगा। तो वो अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी का सीईओ बनाता हूँ। ये कंपनी अब से तुम्हारे अंडर है, तुम जिसको चाहे हायर करो और जिसको चाहे फायर करो। अब टोनी की सेक्रेटरी जो कि इस कंपनी की सीईओ भी थी, एक लड़की को इंटरव्यू के लिए बुलाती है, लेकिन वो लड़की किसी कंपनी की एजेंट होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक कार रेस हो रही होती है और उसमें टोनी ने भी पार्टिसिपेट किया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर इवैन यानी कि वेबलैश आ जाता है। वो टोनी के कार पर अटैक कर देता है जिससे उसकी कार 2 टुकड़ों में हो जाती है। ये न्यूज उस कंपनी की सीईओ यानी कि टोनी की असिस्टेंट भी देख लेती है और वो उसके बॉडीगार्ड से कहती है कि हमें फौरन उसके पास जाना होगा उसकी मदद करने। वो दोनों उस तक पहुँच जाते हैं। वो उसके पास पहुँच जाते हैं और उसे अपना ब्रीफकेस दे देते हैं जिसके अंदर आयरन मैन सूट होता है और
तभी टोनी उस सूट को लेकर के पहन लेता है। अब आयरन मैन और विप्लैश में काफी लंबी फाइट होती है, लेकिन आयरन मैन उस पर जो भी अटैक्स कर रहा था विप्लैश उसे रोक ले रहा था और काफी देर तक ऐसा ही चलता है। लेकिन टोनी अपने कुछ आइडियाज लगाता है और उसके बाद विप्लैश को ढेर कर देता है। इसके बाद विप्लैश को अरेस्ट कर लिया जाता है। थोड़ी देर बाद टोनी पुलिस स्टेशन जाता है। वो विप्लैश से पूछता है कि आखिर तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया, लेकिन वो आगे से चुप रहता है। तो टोनी उससे कहता है कि वैसे तुम्हारी टेक्नोलॉजी थी बड़े कमाल की, तुम अगर अपनी टेक्नोलॉजी को किसी आदमी को बेच देते तो तुम काफी अमीर हो सकते थे, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इवैन के पास एक और आदमी आता है जो कि सेम टू सेम इवैन के जैसा था। इवैन उसका ड्रेस और नंबर भी बिल्कुल इवैन से मैच कर रहा था। वो दरअसल जेल में इसलिए भेजा गया था ताकि उसको मरवा कर लोगों को ये शो किया जा सके कि इवैन मर चुका है और एक आदमी जो कि बहुत बड़ा गैंगस्टर था असली इवैन को रेस्क्यू कर लेता है और वहाँ से निकलवा लेता है। लेकिन वहीं सबको ये लग रहा था कि इवैन मारा जा चुका है, क्योंकि उस गैंगस्टर ने वहाँ पर ब्लास्ट करवा कर नकली इवैन को मरवा दिया था। वो गैंगस्टर किसी बड़ी सी कंपनी का ऑनर था, यानी कि एक मशीन बनाने वाली कंपनी का, और वो टोनी का बहुत बड़ा दुश्मन था। असल में वो चाहता था कि वो भी आयरन मैन की ड्रेस की तरह और भी कई सारे ड्रेसेस बनाए। वो उससे पूरी आर्मी बनाना चाहता था और उसने इसी काम को पूरा करने के लिए इवैन को वहाँ से छुड़वाया था। वहीं टोनी की ड्रेस का वो कोर उसे काफी ज्यादा सता रहा होता है। असल में वो उसके चेस्ट में बहुत ज्यादा पॉइजन फैला रहा था, जिससे उसे फील हो रहा था कि अगर उसने जल्द ही कुछ ना किया तो वो मारा जाएगा। लेकिन इस बात की फिक्र ना करते हुए वो एक बर्थडे पार्टी अरेंज करता है और उसमें आयरन मैन सूट को पहनकर डांस कर रहा होता है। तभी उसका वो ब्लैक फ्रेंड आता है और वो उससे कहता है कि यहाँ पर आर्मी का एक ऑर्डर आया है कि तुम और तुम्हारा आयरन मैन सूट दोनों को आर्मी के सामने लाया जाए। असल में टोनी का दोस्त उसकी हरकतों से तंग आ चुका था। वो टोनी से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम अपना ड्रेस पहन करके इस पार्टी में डांस कर रहे हो, तुम जानते भी हो वो ड्रेस कितना खतरनाक है। लेकिन टोनी उसकी एक भी बात नहीं सुनता, तो वो टोनी का पुराना वाला आयरन मैन सूट पहनकर वहाँ आ जाता है और वहीं उन दोनों में अब काफी ज्यादा फाइट होती है। अब दोनों ने ही आयरन मैन सूट पहना हुआ था और दोनों ही चाहते थे कि किसी तरह एक दूसरे को हरा दें ताकि कोई एक जीत जाए। अब दोनों अपने हाथों से लेजर निकालने लगते हैं और एट अ टाइम लेजर निकलने की वजह से दोनों लेजर आपस में टकरा जाती हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जहाँ पर ब्लास्ट होता है और जहाँ पर बर्थडे पार्टी चल रही होती है वो और कोई जगह नहीं बल्कि टोनी की कंपनी होती है। इसके बाद वहाँ से उसका ब्लैक फ्रेंड उसका वो ड्रेस लेकर के वहाँ से चला जाता है, लेकिन टोनी वहाँ पर नशे की हालत में होता है। अभी हम टोनी के पास खड़े एक आंख वाले आदमी को देखते हैं। वो टोनी से कहता है, तुम्हारे फादर इस दुनिया के लिए क्या कुछ नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम नशे करके आयरन मैन सूट पहन करके इधर उधर फिरते रहते हो। इस पर टोनी कहता है, पहले तो तुम अपनी जुबान बंद रखो, तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाले। तो वो आदमी कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, वो लड़की जो तुम्हारी कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी वो और कोई नहीं बल्कि मेरी ही सीक्रेट एजेंट है, और तुम्हारी सारी बातें और तुम्हारी सारी रिपोर्ट ये मुझ तक पहुँचाती रही है। और वो आदमी फिर ये कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई भी तरह का नुकसान हो, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम और भी एक अच्छा ड्रेस बनाओ, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम एक और आयरन मैन सूट बनाओ जो कि पहले से भी बेटर हो, ताकि दुनिया को फायदा हो। और मेरे पास तुम्हारे फादर की कुछ चीजें भी हैं, तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हें दे सकता हूँ। टोनी उस एक आंख वाले आदमी के पास से वो सारी चीजें ले आता है, तो उसे पता चलता है कि उसके फादर जो सिटी बनाना चाहते थे वो एक टूल की मदद से बनाई जा सकती है। वो उस पर पूरी तरह से रिसर्च करने लगता है। वहाँ पर उसको कोर का पूरा डिजाइन नजर आ जाता है। वो उस पर काफी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से रिसर्च करता है और उसमें काफी चेंजेस करने के बाद बहुत ही ज्यादा एडवांस टूल बना लेता है और फिर उसी टूल यानी कि रिएक्टर की मदद से वो एक नया सूट तैयार करता है जिसको वो नाम देता है Mark 6। तभी उसे इवैन की कॉल आती है जो उससे कहता है कि मैंने एक तुम्हारे दुश्मन के साथ मिल करके काफी अच्छा सूट तैयार किया है, मैं वेट करूंगा उस दिन का जब हम और तुम आमने सामने होंगे और देखते हैं कि कौन जीतता है।
अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ कि आखिर इन लोगों ने वो ड्रेस कैसे तैयार किया। टोनी का वो पुराना ड्रेस जो कि उसका दोस्त आर्मी के पास लेकर के गया था, उस ड्रेस में इवैन ने और वो टोनी के दुश्मन ने कुछ चेंजेस किए और उसे काफी ज्यादा एडवांस बना दिया कुछ टेक्नोलॉजीज की मदद से, जो कि फाइट कर सकता था और बहुत सारी वार लड़ सकता था। वहीं दूसरी तरफ आयरन मैन का दुश्मन लोगों के सामने स्पीच कर रहा होता है कि मैंने आयरन सोल्जर्स बनाए हैं क्योंकि अब आयरन आर्मी का दौर है। वहीं टोनी को पता चल जाता है कि इवैन किसी के साथ भी सच्चा नहीं है, इसलिए वो फौरन जाता है अपने उस दुश्मन के पास, उस कंपनी के ओनर के पास, और उससे जाकर कहता है कि इवैन तुम्हारे साथ धोखा करेगा, वो तुम्हारी सारी आर्मी को अपने कब्जे में कर लेगा और वो पूरे सिटी पर अटैक कर देंगी। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ ही देर में इवैन देखते ही देखते सारे सोल्जर्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उस वॉर मशीन को भी जो इन्होंने नई टेक्नोलॉजी के साथ तैयार की थी। ये वही ड्रेस था जो टोनी का पुराना ड्रेस था। टोनी उस कंपनी के ओनर से कहता है कि मैंने बताया था ना कि तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है, अब जाओ और उन सोल्जर्स का कंट्रोल अपने हाथ में लो। लेकिन यहाँ पर अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी वहाँ पर वो सीक्रेट एजेंट पहुँचती है जिसका नाम ब्लैक विडो है। वहीं इवैन सारे सोल्जर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तभी टोनी अपने आयरन मैन सूट के साथ वहाँ आता है। वो अपने शार्प माइंड की मदद से एक ही ट्रिक में सारे के सारे सोल्जर्स को मार गिराता है। लेकिन तभी उसके सामने आ जाता है व्हिप्लैश, जो कि अब इस बार ज्यादा ही स्ट्रांग हो चुका था और इस बार उसने टोनी की टेक्नोलॉजी की मदद से अपने सूट को और स्ट्रांग बना लिया था। आयरन मैन उस पर अटैक करता है लेकिन उस पर कुछ भी अटैक असर नहीं करता। अब इस बार वो दोनों ही सूट पर काफी भारी पड़ रहा था और तभी टोनी को याद आता है कि जब उसकी और उसके दोस्त की लेजर्स आपस में टकराती हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो अपने फ्रेंड से कहता है कि चलो हम फिर से वही चीज दोहराते हैं। और अब वो दोनों ऐसा ही करते हैं और उनकी लेजर्स के टकराने पर वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वो इतना बड़ा ब्लास्ट था कि व्हिप्लैश उस ब्लास्ट से मारा जाता है। इसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं कि टोनी के पास वही एक आंख वाला आदमी आता है और कहता है कि आज मैं तुमको एक गुड न्यूज देने वाला हूँ, असल में तुम्हारा जो आयरन मैन सूट है उसको एवेंजर्स ने अप्रूव कर दिया है, यानी कि अब वो एवेंजर्स टीम में यूज होगा। लेकिन इसके साथ वो कहता है कि आई एम सॉरी, तुम इसके लिए सिलेक्ट नहीं हुए, मतलब कि तुम्हें सिर्फ पीछे से काम करना होगा। इस पर टोनी कहता है कि ओके एक्सेप्टेड, लेकिन मुझे सारा क्रेडिट चाहिए। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि कोर्ट के सेनेटर टोनी यानी कि आयरन मैन को और उसके ब्लैक फ्रेंड को मेडल देते हैं और उनसे कहते हैं कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हम सभी को बचा लिया। और इसी के साथ आयरन मैन पार्ट 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। फिर से मिलते हैं आपसे ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।